अस्सलाम वालेकुम। वीडियो टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को एक दफ़ा बहुत अच्छे से थैंक यू बोल दूँ। दरअसल ये चैनल कभी इस नीयत से बनाया नहीं गया कि मोनेटाइज़ हो, मुझे पैसे मिले। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चैनल मोनेटाइज़ होगा, मेरी पेमेंट आएगी, डॉलर्स में आएगी और मैं भी यूट्यूबर्स की तरह इस तरह से वीडियो बना रहा हूँ। दरअसल ये स्टार्ट ऐसे हुआ, मैं बता दूँ, मेरा ऑलरेडी ये चैनल था। मैं किसी ज़माने में डाउ यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हुआ करता था कोविड के दिनों में। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा था कि आपके जो वीकली लेक्चर्स होते हैं किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे बना के डाल दें ताकि स्टूडेंट्स देख सकें। तो मैंने एक चैनल बना दिया था ये वाला, और इस पर मेरे 8-10 लेक्चर्स पड़े हुए थे, दैट्स इट। हॉस्पिटल में मैं काम करने लगा तो मुझे एहसास हुआ कि इधर ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है जहाँ मैं होता हूँ, इस वक्त भी मैं हॉस्पिटल की छत पर मौजूद हूँ, बैतुल सुकून कैंसर हॉस्पिटल। तो ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, लोग बहुत आते हैं, एक एक घंटे में हमने 30-30, 40-40 पेशेंट देखने होते हैं। तो समहाउ मुझे ऐसा लगता था कि मैं पेशेंट से सही से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा। लोग जो बोलते हैं ना, डॉक्टर आप बहुत तसल्ली से बताते हैं वीडियो में, मैं भी यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के दूसरे डॉक्टर्स की तरह बहुत जल्दी जल्दी मैं काम करता हूँ और इतना टाइम नहीं होता कि पेशेंट से बात कर सकें। सो आई थॉट कि मेरे पास ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस पर मैं किसी ज़माने में अपने स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स डाला करता था, तो मैं ऐसा करता हूँ, एक चैनल बना देता हूँ, उसी चैनल पे कुछ वीडियोस डाल देता हूँ जो पेशेंट्स के काम आएंगी। मैंने वीडियोस अपलोड की और डाल दी, बट क्योंकि चैरिटेबल हॉस्पिटल है और इधर जो क्लास ऑफ पीपल आते हैं उनको तो यूट्यूब की एक्सेस ही नहीं है, तो शुरू में चैनल चला ही नहीं। और जिन लोगों के लिए बनाया, यहाँ के लोगों के लिए, वो इस तरह के लोग हैं कि उनको मैं बोल ही नहीं पाया कि आप मेरी वीडियोज़ देख लो, और आसानी के लिए डाली हुई हैं। तो इवेंचुअली चैनल वॉज़ नॉट वर्किंग इनिशियली, बट सम हाउ मेरे चैनल को उन लोगों ने देखना शुरू कर दिया जिनका मेरे से कोई वास्ता ही नहीं है, जो इधर हॉस्पिटल में आते ही नहीं है। इधर के भी कुछ पेशेंट्स देख रहे हैं चैनल, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द पेशेंट्स आर दोज जो मैंने न्यू गेन किए हैं, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ है, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इस नीयत से बनाया ही नहीं गया था, फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक दो वीडियोस इतनी अच्छी हो गई कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और अब अल्लाह का शुक्र है पैसे भी आना शुरू हो गए। तो मुझे मेरे कोलीग्स वगैरह बोला करते थे कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और ये वीडियोस वगैरह बना रहे हो, तो और लोगों को रिप्लाइज करते हो। इंस्टाग्राम पे मैं 20-25 रिप्लाइज देता हूँ डेली, कभी कभार 30-35 भी हो जाते हैं। सो मैं भी सोचता था कोई फ़ायदा वगैरह तो हो नहीं रहा, बट इवेंचुअली मैं ये सोचता था कि नहीं, अगर मेरे एक आध ओपिनियन से, मेरे एक मशवरे से अगला बंदा मुतमईन हो जाता है तो व्हाट्स बैड, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए कर लेते हैं। बट वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला कभी किसी की मेहनत रायगा नहीं जाने देते। तो सम हाउ अल्लाह ताला हैज़ स्टार्टेड गिविंग मी मॉनेटरी बेनिफिट थ्रू माय दिस चैनल, सो आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू। मैंने आज तक अपनी किसी वीडियो में कभी नहीं बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकॉन, क्योंकि ये वीडियोज़ इस नीयत से बनाई नहीं गई, ये चैनल इस नीयत से बनाया ही नहीं गया, बनाने की नीयत कुछ और थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चैनल चल रहा है। सो थैंक यू करने का मकसद भी इस वजह से नहीं है कि आई एम गेटिंग मनी थ्रू दिस चैनल, थैंक यू करने का मकसद यह है कि लोगों को मेरे पे इतना ट्रस्ट है। आई हैव गेन 22,000 सब्सक्राइबर्स टू डेट, तो सिर्फ इस ट्रस्ट की वजह से, इस इंटरेक्शन की वजह से कि लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सो आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।